देखिए, अक्सर मैं देखता हूं मीडिया में कुछ चीजें आती हैं, उसमें बहुत सारी चीजें अच्छी होती हैं, कुछ चीजें ऐसी लगती है कि हो सकता है नेगेटिव लगती हो, लेकिन उसको हम नेगेटिव परिप्रेक्ष्य में देखते भी नहीं। जैसे अक्सर आता है कि स्कूल में बच्चों से झाड़ू लगवाया जा रहा है, मुझे लगता है बुरा नहीं, लेकिन अगर शिक्षक भी प्रयास करें कि वह बच्चों के सामने स्वयं झाड़ू लगा करके एक बार वहां पर उस प्रक्रिया के साथ जुड़े, तो अपने विद्यालय में हम लगा रहे हैं, क्या कल कोई हमारे घर, हम अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, अपने कपड़े स्वयं धोते हैं, तो क्या इसके लिए क्या कोई हमारी निंदा करता है, कोई हमारी नेगेटिव उसमें देखेगा? ये हमारी ड्यूटी है, अपना कार्य स्वयं करना, ये तो स्वावलंबन का लक्षण है। आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में व्यक्ति अपने स्तर पर जब प्रारंभ करेगा तो ही तो उसे प्राप्त कर पाएगा। अब अपने स्कूल में झाड़ू लगाना कहां से बुरा हो गया? ये मुझे आश्चर्य होता है, अपने स्कूल में झाड़ू लगाना ये बुरा हो गया। ये देखिए, बच्चे स्कूल में झाड़ू लगा रहे हैं, मुझे लगता है कहीं भी इसमें नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए, ये होना चाहिए। बच्चे को हमें तैयार करना होगा, शिक्षक भी खड़ा हो और हर एक स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की तैयारी होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि हमारे ट्रस्ट के द्वारा बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं संचालित होती हैं। एक संस्था 2000